तो गाइस ये है लिटल रन ऑफ कच्छ, जिसके अंदर हम बाइक रन कर रहे हैं और सामने देखिए सनसेट होने वाला है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। वाइट एस आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मेन जो कुआ था ये है। तो गाइस ये है एग्जिट रानी की वाव का। तो हम पिछले गेट से एंटर कर रहा था और ये दूसरा गेट है सामने की तरफ, यहाँ से हमने एग्जिट किया है और इस समय भीड़ काफ़ी कम है और मुझे तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया लगी है रानी की वाव, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि 1000 साल पुरानी चीज़ आप देखते हैं तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मूर्ति कला है, क्या टेक्नोलॉजी है, उस समय भी कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, बिना किसी सीमेंट चूना गारे के इतनी बड़ी बिल्डिंग, 7 मंजिला बिल्डिंग पत्थरों से बनाना, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, दाद देनी पड़ेगी उनकी टेक्नोलॉजी को। और इतने भारी भारी पत्थर लगाना एक के ऊपर एक, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो गाइस एक और मैं बता दूं, यहाँ की पटोला साड़ी बहुत ही मशहूर है, जिसकी रेंज कहते हैं कि 12000 से लेके लगभग 4 लाख तक पटोला साड़ी का रेट है। ये सामने है पटोला, पटोला हेरिटेज, ये पटोला साड़ी यहाँ पे मिलती है। और ये है पाटन, ये पाटन का एरिया पूरा। और अब हम जा रहे हैं मडोरा, मडोरा में सन टेंपल है जो इंडिया में तीसरा सन टेंपल है, जो मैं सबसे फेमस सन टेंपल है इंडिया में। 3 ही सन टेंपल हैं, वो जो एक सन टेंपल है वो मडोरा गुजरात में है, बाकी दो जो सबसे फेमस सबसे बड़ा सन टेंपल है वो है कोणार्क उड़ीसा में, और उसके बाद एक सन टेंपल है जम्मू में, लेकिन वो सिर्फ अवशेष मात्र रह गया है। बहुत ही भव्य था जम्मू का, तो बहुत बड़ा और बहुत भव्य था। पाटन से हम निकल पड़े हैं मडोरा की तरफ और हमने अभी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है मडोरा का, वहाँ जाके हम सन टेंपल को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि आज का हमारा स्टे है धोलावीरा में, तो ये रास्ता देखिए, ये हाईवे देखिए, ये दिस इज़ द स्टेट हाईवे, नॉट ए नेशनल हाईवे। तो ठीक ठाक रोड है अभी तक। तो गुजरात में वैसे जब से एंटर किया है बहुत ही भीड़ भाड़ मिली है हमें और बहुत ही मतलब कि गंदी सड़कें मिली हैं अभी तक, लेकिन ये कुछ रोड अच्छी मिली है हमें। तो गूगल भाई ने हमें एक गांव के रास्ते में डाल दिया है और ये देखिए खेत, देखिए गुजरात के खेत, ये सरसों की खेती हो रही है यहाँ पे। सामने झाड़ी जंगार, ये कुछ पेड़ लगा रखे हैं इधर, ये पता नहीं किस चीज़ की झाड़ी है और ये पेड़ लगा रखे हैं लकड़ी के लिए, लकड़ी की भी खेती आजकल होती है। ये हम किसी गांव से होके गुजर रहे हैं और यहाँ से 21 किलोमीटर बता रहा है गूगल भाई, मडेरा सन टेंपल। अभी एक विलेज गुजरात के एक गांव में होके गुजर रहे हैं, ये नाम गुजराती में लिखा है पता नहीं। तो यार एक रोड ट्रिप की यही तो एक खूबसूरती है कि आप किसी भी सिटी में जाते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ के गांव, सब कुछ अपनी आँखों से बड़े करीब से देखते हैं आप, यही खूबसूरती है हमारे रोड ट्रिप की और बाइक ट्रिप की। क्योंकि बाइक तो कहीं भी चली जाती है, किसी भी गांव में कैसे भी रास्ते हों निकल जाती है। और ये सामने है, पहुंच गए हैं हम सूर्य टेंपल मडोरा में, और ये सामने पार्किंग आपको दिख रही होगी, सन टेंपल मडोरा।
अक्षर ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड है। वेलकम टू सन टेम्पल मडोरा। तो इंडियन के लिए 2500 रुपये की टिकट है और फॉरेनर के लिए 300। ये बाइक पार्क करनी है हमने, जगह देख रहे हैं, गर्मी बहुत है यहाँ पर यार। तो गाइस अभी हम देखने आए हैं मोडेरा का सन टेम्पल, और ये मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल मेरे बैक साइड पे देखिए, आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा सबसे पीछे। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है चारों तरफ, जैसा कि आपने रानी की वाव में देखा था। तो पार्क हर जगह बनाया गया है। ये सूर्य टेम्पल भी लगभग 1000 साल पुराना है, तो हमने रानी की वाव भी देखी जो कि 1000 साल पुराने हैं। तो ये राजा जो थे भीमदेव, उन्होंने बनवाया था सूर्य टेम्पल। और मेरे लेफ्ट हैंड पे है म्यूज़ियम, ये देखिए म्यूज़िक, ये आपको मूर्तियां नज़र आ रही होंगी, ये पुराने समय की म्यूज़ियम, लेकिन शायद अभी बंद किया हुआ है। लेकिन हम जा रहे हैं अभी सूर्य टेम्पल को देखने। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कि है सूर्य कुंड, या यहाँ लोकल जो इसको राम कुंड भी कहते हैं। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं, ये है सूर्य कुंड, और लोकल यहाँ के लोग इसको कहते हैं राम कुंड। तो कुंड का मतलब यहाँ पे लोग स्नान करते थे, और अभी पता नहीं करते नहीं करते, पानी काफ़ी मैला हो चुका है। तो ये कुंड है सूर्य कुंड, और ये बिल्कुल इसके साथ में है सूर्य टेम्पल, जो कि एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। तो ये राजा भीमदेव ने बनवाया था जो 11th सेंचुरी में है। तो ये 1000 साल पुराना ये टेम्पल है, और ये कुंड है जो इससे पहले हमने देखा रानी की वाव, वो भी 1000 साल पुरानी है, और ये भी 1000 साल पुराना है। तो ये सूर्यवंशी राजा थे, उनका राज था, तो उन्होंने इस समय बनवाया था उस समय। तो गाइस अभी हम हैं सूर्य मंदिर के अंदर, ये देखिए ऊपर देखिए कितना खूबसूरत नक्काशी की हुई है, बहुत ही खूबसूरत है ऊपर जो बुर्ज बना हुआ है गोल गोल। और ये चारों तरफ का व्यू देख लीजिए मंदिर का, बहुत ही शानदार मंदिर है, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है सूर्य मंदिर। और इसकी नक्काशी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मूर्तियाँ, मूर्ति कला, भगवान की मूर्ति बहुत ही शानदार है। और ये जितने पिलर्स बने हुए हैं, ये पूरा 1000 साल पुराना मंदिर है, और पिलर्स की इसमें ना इसमें गारा लगा है ना चूना लगा है, और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी, क्या कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अब हम दूसरे मंदिर चलते हैं, ये फर्स्ट हमने कुंड देखा, उसके बाद ये मंदिर आया, इसके साथ में एक मंदिर और है, तो वहाँ चलते हैं अब सामने। यह है सेकंड मंदिर, और लेकिन इसका मंदिर का द्वार बंद है, जो सूर्य देवता है शायद वो पीछे मंदिर में है, लेकिन द्वार बंद करके हैं। और नक्काशी सेम दोनों मंदिर की एक जैसी है, और पिलर्स भी लगे हुए हैं, और सब कुछ एक जैसा ही है, अनबिलीवेबल। गाइस अभी हम आए हैं आनंद रेस्टोरेंट पे, और भूख बहुत तेज़ी से लग चुकी है, तो हम यहाँ पे करेंगे लंच। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे है आनंद रेस्टोरेंट, चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। राम राम जी, राम राम, क्या हाल चाल हैं, बढ़िया दिल्ली। हाँ
चला? हाँ, यूट्यूब में। यूट्यूब में सर? हाँ, भी आपको सब मिल जाए। हाँ, बहुत अच्छा खाना था आपका, बहुत मजा आया। ये रेस्टोरेंट अच्छा है, खाना अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे ये पीछे आनंद रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने अभी लंच फिनिश किया है। हमने ली थी थाली और पंजाबी थाली हमने खाई और खाने में स्वाद आ गया। तो आज हमने जो एक्सप्लोर किया है वो रानी की वाव और सूर्या टेंपल मडेरा का, और अब हम जा रहे हैं डाटसा, जो कि आई थिंक वहाँ पे वाइट एस और माइग्रेटेड बर्ड्स मिल जाएंगे देखने को हमें। और वाइट एस सिर्फ यहीं पे, जो कि एक स्पेशल प्रजाति है, यहीं पे पाई जाती है और कहीं नहीं मिलेगी इंडिया के किसी कोने में। गाइस, अभी हम हैं जैनाबाद में और डेजर्ट कोर्सस इकोलॉज, और ये यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है आपको सफारी के लिए। डेजर्ट सफारी है यहाँ पे, जहाँ पे वाइट एस देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही रेयर प्रजाति रहेगी, है सिर्फ वो यहीं पे देखी जा सकती है और इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी में और यहाँ पे हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ। और ये देखिए, ये है वाइल्ड डोंकी, और सफ़ेद डोंकी कहते हैं इसको, जो कि बहुत ही रेयर एनिमल है यहाँ पे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ कहा जाता है इस एरिया को। ये देखिए, पूरा वाइट, चारों तरफ वाइट वाइट है, और ये लेक है पूरा। हमने जैसे सांबर लेक करा था, सेम वैसी लगती है सांबर लेक की तरह। और हमने एंट्री के लिए स्पेशल परमिशन ली है, तो वो रिसोर्ट वाले दिलाते हैं परमिशन ताकि अपनी व्हीकल या बाइक ले जा सकें। तो अभी तक हमने किसी को सफारी में अपना व्हीकल ले जाते नहीं देखा, हम अपने स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लेके आए हैं। इसके लिए परमिशन ली है, परमिट बनवाया है, तो आई थिंक 500 रुपये बताया था इन्होंने परमिट का एक्स्ट्रा। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं मिनी रन ऑफ कच्छ। आप रन ऑफ कच्छ में अपनी बाइक नहीं चला सकते, लेकिन यहाँ पे चला सकते हैं मिनी रन ऑफ कच्छ में, और अपना हम शौक पूरा कर रहे हैं बाइक चलाने का। तो गाइस, अभी हम हैं डेजर्ट सफारी में, और ये देखिए, ये है मिनी रन ऑफ कच्छ, और ये देखिए पूरा वाइट वाइट है, पूरा नमकीन है ये। और बाइक हमारी ये देखिए सामने खड़ी है, और ये पूरा एरिया है झील, झील के पास पीछे है लेक हमारे सामने, और ये पूरा एरिया दलदल का है। पैर पूरे मेरे धस रहे हैं इसके अंदर, मिट्टी के अंदर। बड़ी मुश्किल से चला जा रहा है, और बाइक भी बड़ी मुश्किल से खड़ी करी है हमने मिट्टी के अंदर। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन फ्लेमिंगो है, और दूसरा वाइट एस। बहुत सारे फ्लेमिंगो नज़र आ रहे होंगे, ये सारे साइबेरिया के पक्षी हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम देखिए कितना शानदार, साइबेरिया से आते हैं गर्मी के मौसम में, नवंबर दिसंबर के मौसम में, और फिर उसके बाद माइग्रेट हो जाएं वापस ही अपने साइबेरिया चले जाते हैं। बहुत लंबा सफ़र करके आते हैं ये पक्षी। और ये लेक देख लीजिए, ब्यूटीफुल लेक। और ये सन अभी धीरे धीरे सन सेट होता हुआ। तो गाइस, ये है खाराकोडा का रन, ये इसको लिटिल रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। ये देखिए, पूरा कई सौ साल पहले यहाँ पे समुद्र होता था, अब बिल्कुल रेगिस्तान है, ये पूरा रेगिस्तान है। रन ऑफ कच्छ कहा जाता है, लिटिल रन ऑफ कच्छ खाराकोडा। आज हम यहाँ पे आए थे वाइल्ड एस को देखने आए थे, तो मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, सिंगल एस मिला, ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि झुंड के झुंड रहते हैं यहाँ पे। तो ये एक दुर्लभ प्रजाति है, बहुत ही रेयर प्रजाति रह गई है, और बहुत ही थोड़े बचे हैं, इसी एरिया में पाए जाते हैं वो स्पेशल। तो यहाँ पे लोग सिर्फ इसी के लिए आते हैं यहाँ पे सफारी करने। और माइग्रेटेड बर्ड्स, जो पीछे लेक दिखाई थी वहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पे आके बाइक रन भी कर सकते हैं, तो हमें बाइक चला के यहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया। और अब हम जा रहे हैं वापसी धोलावीरा, लेकिन धोलावीरा यहाँ से लगभग 6 आवर की दूरी पे है, तो देखते हैं हम कहाँ तक मैक्सिमम पहुँच पाएंगे। जहाँ भी पहुँचेंगे, अगर धोलावीरा ना पहुँच पाएँ तो उससे पहले कहीं भी हम स्टे ले लेंगे, क्योंकि हमें बहुत समय लगने वाला है, लगभग छः बज चुके हैं। अभी प्लान ये है, धोलावीरा यहाँ से 325 किलोमीटर है। कुछ ही देर पहले मैंने सनसेट दिखाया था, और ये फुल मून दिखाई दे रहा है अभी। और हम चल रहे हैं कच्छ, रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ।
ये पूरा एक समय पूरा समुद्र होता था और कुछ कारणवश ये समुद्र सूख गया और ये ज़मीन बच गई और इसके अंदर पानी जो भी है नमकीन पानी है और नमक के खेत यहाँ पे लोग पानी निकाल के खेती करते हैं और नमक बनाते हैं। ये है वाइट एस दोस्तों, ये देखिए वाइट एस जिनके पीछे हम आए थे, ये है वाइट एस और ये है जंगली वाइट एस, आप देख पा रहे होंगे। ये तो लॉटरी निकल गई एकदम, चलें और रास्ता भटक जाएंगे। तो देख लो गाइस क्या एडवेंचर हो रहा है, ये देखिए रात को भटक रहे हैं रन में और ये झाड़ी झंकारी के अंदर से। अभी रास्ता तो हमें मिला नहीं है, अभी उसी रन में घूम रहे हैं। पिछले 5-6 किलोमीटर से अंधेरा हो चुका है, अभी रास्ता हमें नहीं पता चल रहा है, हम अंदाजे से जा रहे हैं कि कोई आगे गांव या कुछ कस्बा मिल जाए तो वहां से पता करेंगे कहां किस तरफ जाना है। अभी सिर्फ डंडी के सहारे चलते जा रहे हैं, हम आके बताते हैं आपको फिर। तो गाइस बात ऐसी है कि हम रास्ता बिल्कुल भटक चुके हैं और पता नहीं है हम जा कहां रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें रोड नहीं मिल रही है और कम करीबन 10-12 किलोमीटर हम बाइक चला चुके हैं ऐसे रास्ते पे। भाई ने तो समझा के भेज दिया लेफ्ट तरफ चलते रहना आपको बस्ती मिल जाएगी, लेकिन अभी तक हमें बस्ती नहीं मिली, पता नहीं हम किस तरफ मुड़ गए थे। और बाइक यहाँ पे बहुत ही स्लिप मार रही है, 2 बार तो गिरते गिरते बची है। ये देखिए झाड़ झंकार के बीच से, और रेगिस्तान में झाड़ियों के अलावा कुछ होता भी नहीं है। हम रोड पे आ गए हैं, ये एक यहाँ की लोकल रोड होगी और यहाँ से जो धोलावीरा का डिस्टेंस है मोर देन 300 दिखा रहा है गूगल, और टाइम जो बता रहा है वो मोर देन 6 आवर बता रहा है। तो समय जो हो गया है वो पूरे 7 बज चुके हैं और 7-6-13 यानी कि हम कंटिन्यू चलें तब जाके हम रात को 1 बजे पहुंच सकते हैं। तो अमित भाई सबसे आगे, अभी तो बड़ी ख़तरनाक राइड हुई, पूरा रेत ही रेत में राइड करी है हमने करीबन 10-15 किलोमीटर। वहाँ ऐसे लग रहा था पता नहीं हम रास्ता भटक गए हैं, और किसी तरह हम बाहर निकलने में मैनेज कर पाए हैं और आईडिया से ही हम निकल पाए हैं। ये गांधी जी की मूर्ति, और हमने जाना है राइट में गाय माता। अरे यार रोड के बहुत बुरी हालत है यार, मोदी जी क्या कर रहे हो अपने गुजरात में, कुछ तो सुधारो गुजरात को, तभी तो पधारेंगे गुजरात में। हाईवेज का ये हाल है तो भाई क्या कह सकते हैं, हमारे गुजरात मॉडल का बहुत बुरा हाल है रोड्स। ये देखिए ये खड्डे गड्ढे और रात को तो राइड कर नहीं सकते यार इस हिसाब से, तो हम किसी खड्डे में घुस जाएंगे। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे पे, और अभी तक थे स्टेट हाईवे पे जो जिसकी हालत बद से बदतर थी, और मैं बता नहीं सकता कैसे हम बाइक चला के लाए हैं आंखें बंद करके, और गड्ढे ही गड्ढे थे पूरे रास्ते में। और ये थोड़ा अच्छा रोड मिला है, फाइनली एक अच्छा हाईवे मिला है। तो अब ये पता नहीं कितने किलोमीटर तक है। तो गाइस हमने अभी डिनर ख़त्म कर लिया है होटल सिल्वर, बहुत ही सिंपल खाना है और होटल भी काफ़ी सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। सभी प्रोग्राम बहुत अस्त व्यस्त प्रोग्राम हुआ पड़ा है। अभी 170 किलोमीटर है धोलावीरा का, लेकिन गूगल 3 आवर्स दिखा रहा है, 12 बज जाएंगे। एक तो मन करता है कि बीच में कहीं रुक जाए, बाकी ये सफ़र सुबह पूरा करें, एक मन कहता है कि हिम्मत मार के चलो पहुँच ही जाओ। चलो देखते हैं अभी कहीं अच्छी जगह रुकने की मिल गई रास्ते में तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा वहीं लगाएंगे।
एट लास्ट हम पहुंच गए हैं अपने स्थान पे जहाँ पे आज हमने स्टे करना है। और ये फिरोज भाई हैं और इनके पास हमने आज स्टे करना है। और ये है भाई हमारे नेचर गाइड। तो अभी समय हुआ है 12:30 और 7 के तकरीबन हम हाईवे पे रोड पे चढ़ पड़े थे। और उससे पहले हमने छोटा रन जो था वहाँ पे एक्सप्लोर किया और बहुत ही शानदार यार, वहाँ पे हमने देखा जंगली एस दुर्लभ प्रजाति है जो यहीं पे मिलती है, तो हमने देखा वो भी बहुत शानदार था। 12:30 बज चुके हैं और नींद पूरी ज़ोरों से आ रही है। और सुबह फिर हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे धोलावीरा में, और ये भाई हमारे फिरोज भाई लेके जाएंगे हमारे को। तो कहाँ कराएंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ ले जाएंगे आप? फिर सनराइज कराएंगे सुबह, फिर हिल स्टेशन पे लेके जाएंगे माउंटेन एक डेजर्ट में भंजडो, वो अच्छा। सब दिखाएंगे धोलावीरा की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है वो सब दिखाएंगे। इंडस वैली हड़प्पा की है ना? हाँ, हड़प्पा की है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में जो अमिताभ ने एड दिया है वही। तो बहुत यंग गाय है हमारा, कल ये हमारा पूरा घुमाएगा। और यहाँ पे बाइकर्स बहुत सारे आते हैं, तो सुबह अभी शाम को 2 कलकत्ता से भी लोग आए हैं। हाँ, अपना पेज भी देख सकते हो फेसबुक पे, पूरे बाइकर्स ही फॉलोवर है द कच एडवेंचर्स गाइड करके। द कच एडवेंचर गाइड बाइक का फेसबुक पेज है, आप उसको लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। ये सारी एक्टिविटी उन पे अपलोड करते रहते हैं, और आपको आना हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे बिस्तर लगे हुए हैं बाहर ही लगे हुए, क्योंकि अंदर जगह ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं अब ये बाहर ही सोएंगे। इसका भी मज़ा अलग है, आज हम बाहर सोते हैं। टेंट है नहीं, आप कल कहाँ करोगे? तो गाइस गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, अब हम सोते हैं।